हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। आज हम लोग डीएनए सुपरकॉइलिंग के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए सुपरकॉइलिंग में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डीएनए के सुपरकॉइलिंग को अफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग क्या होता है, निगेटिव सुपरकॉइलिंग क्या होता है, इसके अलावा हम लोग लिंकिंग नंबर, ट्विस्ट नंबर, रिथ नंबर और इन सब के अलावा हम लोग लिंकिंग नंबर कैसे चेंज होता है, चेंज लिंकिंग नंबर से कैसे हम लोग सुपर हेलिकल डेंसिटी निकाल सकते हैं, इन सब टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सुपर कॉइलिंग से। द टर्म सुपर कॉइलिंग मीन्स लिटरली द क्वाइलिंग ऑफ अ क्वाइल। क्वाइलिंग ऑफ ए क्वाइल कहने का मतलब है कि डीएनए ऑलरेडी क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। हम लोग किसी भी डीएनए के फॉर्म की बात करें, द टर्म सुपर क्वाइलिंग मीन्स लिटरली द क्वाइलिंग ऑफ अ क्वाइल। क्वाइलिंग ऑफ अ क्वाइल कहने का मतलब है कि डीएनए ऑलरेडी क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। डीएनए के किसी फॉर्म की बात करें, जैसे कि ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म या सर्कुलर डीएनए, कोई भी डीएनए यदि देखें तो सब ऑलरेडी क्वाइल्ड है। कुछ राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंडेड फैशन में क्वाइल होते हैं, लेकिन डीएनए ऑलरेडी क्वाइल्ड होते हैं। और यदि इस क्वाइल्ड डीएनए को और क्वाइल किया जाए या इसे हम लोग रिलैक्स करें, मतलब किसी भी तरह से अगर इस ओरिजिनल फॉर्म, इस रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को चेंज करें, तो इसे ही हम लोग टर्म देते हैं सुपर क्वाइलिंग। जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डीएनए है उसके लिए हमारे पास टर्म है रिलैक्स्ड डीएनए। यानी इस रिलैक्स्ड डीएनए को हम किसी भी तरह से चेंज करें, या रिलैक्स्ड डीएनए को और अधिक क्वाइल करके चेंज करें, या हम इसके क्वाइलिंग को कम करके चेंज करें, किसी भी तरह से चेंज करेंगे तो इसके लिए हमारे पास एक नया टर्म है सुपर क्वाइलिंग। सुपर क्वाइलिंग एक्चुअली में एक मैनिफेस्टेशन है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन का। सुपर क्वाइलिंग होता कब है, जब मॉलिक्यूल सुपर क्वाइलिंग अकर्स व्हेन द मॉलिक्यूल रिलीव्स द हेलिकल स्ट्रेस बाय ट्विस्टिंग अराउंड इटसेल्फ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए जब क्वाइल्ड होता है तो एक स्ट्रैंड डीएनए, चूंकि डबल स्ट्रैंडेड है, तो एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड को कितनी बार क्रॉस किया यही बताता है ट्विस्ट नंबर। जैसे कि इसमें यदि एक बार यहाँ पे दो तीन तीन बार क्रॉस किया तो इसका ट्विस्ट नंबर हो जाएगा तीन। ये सब और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग में क्या होता है कि ये ट्विस्ट बढ़ जाता है और ज्यादा सुपर क्वाइल्ड हो जाता है। निगेटिव सुपर क्वाइलिंग में ट्विस्ट नंबर घट जाता है। कैसे ये सब चेंजेज होते हैं, कैसे ट्विस्ट नंबर बढ़ता है घटता है, और पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग, निगेटिव सुपर क्वाइलिंग, इन सब को भी हम लोग अभी देखेंगे। जैसे कि ये हमारा कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए है, ये सर्कुलर डीएनए है। इस सर्कुलर डीएनए को यदि जिस फैशन में ये क्वाइल्ड है उसी फैशन में और यदि हम इसे टाइट करते जाएं, जैसे इसे हम टाइट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग इसमें बढ़ रहा है, ये सब और ज्यादा क्वाइल हो रहा है।
तो इसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसे और ज्यादा क्वाइल्ड करते जा रहे हैं। जैसे ये स्टेटमेंट है, व्हेन द डीएनए हेलिक्स हैज द नॉर्मल नंबर ऑफ बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, इट इज द रिलैक्स्ड स्टेट। नॉर्मल बेस पेयर कितना है? जैसे कि हम जानते हैं बी डीएनए में जो एक बेस पेयर टर्न है, सिंगल बेस पेयर में क्या है, जैसे कि बी डीएनए में जो वन हेलिकल स्ट्रैंड होता है, इस वन हेलिकल स्ट्रैंड में 10.5 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो जो नॉर्मल बेस पेयर टर्न है, जो नॉर्मल बेस पेयर होते हैं, ये रिलैक्स्ड स्टेट में हमको मिलते हैं। यदि हेलिक्स को ओवर ट्विस्ट करें या हम कहें कि पॉजिटिव सुपर कॉइल कर रहे हैं, तो ये और ज़्यादा टाइट हो जाएगा और जो नंबर ऑफ बेस पेयर टर्न हैं पर हेलिकल टर्न, वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दोनों ही केस में, यदि वो उसे हम अंडर ट्विस्ट कर रहे हैं या ओवर ट्विस्ट कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल नंबर है बेस पेयर का पर टर्न, वो चेंज हो जाता है। नोटिस दैट चेंजिंग द ट्विस्ट फॉर्म, जो ट्विस्ट फॉर्म चेंज हो रहा है, रिलैक्स्ड स्टेट रिक्वायर्स एडिंग एनर्जी एंड इंक्रीज द स्ट्रेस अलोंग द मॉलिक्यूल। ये जो कुछ भी हम इसे ओवर ट्विस्ट या अंडर ट्विस्ट कर रहे हैं, तो इससे मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्रेस इंक्रीज होता है, स्ट्रेस गेट इंक्रीज्ड। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इज द राइट हैंडेड डबल हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए। इट इज ट्विस्टेड टाइटली इन अ राइट हैंडेड डायरेक्शन अंटिल द हेलिक्स क्रिएट्स नॉट। यदि हम बी डीएनए की बात करें जो कि राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड होता है, ये राइट हैंडेड डीएनए को यदि हम राइट डायरेक्शन में ही अगर रोटेट करते जाएं, तो क्या क्या होगा? क्वाइल इंक्रीज करते जाएगा और इसे ही हम लोग पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग कहेंगे। लेकिन यदि ये बी डीएनए है जो कि राइट हैंडेड फैशन में रोटेटेड होता है, तो इसे हम लेफ्ट क्वाइल करने लगें, तो क्या होगा? इसके क्वाइल के नंबर कम होने लगेंगे और इसे हम लोग निगेटिव सुपर क्वाइलिंग कहेंगे। तो जैसे कि ये पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग में राइट हैंडेड फैशन के डीएनए को हम राइट हैंड में ही रोटेट कर रहे हैं, तो ये और ज़्यादा कंडेंस होते जाएगा, जबकि निगेटिव सुपर क्वाइलिंग में ये कंडेंस नहीं होगा, ये डीकंडेंस होने लगेंगे। Prokaryotes and eukaryotes usually have negatively supercoiled DNA.